बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश बुक्स, यूनिट सिक्स, एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। इट्स अ पोएम, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बट वेट, इट्स नॉट अ सिंपल पोएम। हैव यू ऑब्जर्व दैट? यस, इट्स अ लिमरिक पोएम। वट इज़ अ लिमरिक पोएम? A five-line poem that consists of a single stanza with rhyme scheme. Yes, students, limerick poem में एक stanza होता है जिसकी five lines होती हैं और हर line में rhyme scheme होती है। जैसे first, second और fifth line के last word same sound करेंगे, जैसे hush, bush और bush। जबकि third और fourth line के last word same sound करेंगे, जैसे small और all। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु सेड हश, आई परसीव अ यंग बर्ड इन दिस बुश। व्हेन दे सेड इज इट स्मॉल, ही रिप्लाइड नॉट एट ऑल, इट इज फोर टाइम्स एज बिग एज द बुश। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी आप मीनिंग्स अपनी बुक्स पर राइट कर लें। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, परसीव, देखना, रिप्लाइड, जवाब देना, बुश, झाड़ी। ओके, देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु सेड हुश, वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जिसने कहा हुश। आई परसीव अ यंग बर्ड इन दिस बुश, मैंने उस झाड़ी में एक छोटे परिंदे को देखा। व्हेन दे सेड, जब उसने कहा इज इट स्मॉल, क्या ये छोटा है? ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इट इज़ फोर टाइम्स एज बिग एज द बुश, ये उस झाड़ी से चार गुना बड़ा है। सो स्टूडेंट, इट्स योर पोएम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।